हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज पहले मैं क्लास में आप लोगों को सफल होने के लिए कुछ सूत्र डिस्कस करने जा रही हूँ, जो लगभग हर दूसरे या तीसरे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और सफल होने के लिए हमारे पास किन गुणों का होना आवश्यक है। तो पांच मैं सूत्र बताऊंगी आपको, ठीक है? ये बिल्कुल एक अलग तरीके के सूत्र होंगे। तो इनमें अगर आपको यूपीएससी एग्जाम में सफल होना है, तब आपको पांच गुण अपने अंदर लाना होंगे। और ये पांच गुण जो है वो पांच कामों से जुड़ेंगे और उसके बाद ये क्या बन जाएंगे? सूत्र बन जाएंगे। किस चीज़ की? सफलता के। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका आत्मनिर्भरता। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर, पहला आत्मनिर्भरता है और दूसरा आता है आत्म विश्वास, तीसरा आता है बौद्धिक विकास और चौथा आता है वैज्ञानिक उत्तर लेखन, और पांचवा आता है अनुशासन। आपको सफल होने के लिए एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में सफल होने के लिए अपने अंदर इन पांच गुणों को लाना होगा। हर कोई आपको बता देगा कि ये गुण आपके अंदर जरूरी है या कहीं भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हम इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे कि ये आएगा कैसे। ठीक है, तो पहली चीज जो है मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर, आत्मनिर्भरता। ठीक है, आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे? सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से इसको समझे, और अगर आपने इसको समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तब आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा शब्द होता है। इसका पहला पॉइंट है अपनी जिम्मेदारी खुद लें। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी योर सेल्फ। अब देखिए, ये जो शब्द आया, मैंने क्या बताया आपको कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरा कह दिया कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए, लेकिन इसके और इसके बीच में हमें करना क्या है? मेन पॉइंट क्या है? हमें करना क्या है? तो इस ये अगर आप ये करेंगे तो ये गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा? मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी एग्जाम देना है, मुझे सफल होना है, और ये डिसीजन बहुत सारे बच्चे लेते हैं। मैं मानती हूँ कि हर किसी के पास एक एवरेज दिमाग होता है। कुछ, अब बात छोड़ दीजिए, उसमें मत जाइएगा, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एक स्वस्थ मस्तिष्क अगर आपके पास है, आप अपने सारे काम कर रहे हैं, तो चाहे तो आप उसका जितना बेहतर इस्तेमाल करके उसे बहुत उन्नत बना सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप उसको बहुत डंप भी कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास जिम्मेदारी किस चीज़ की है कि उसे पहले अपना सिलेबस देखना है, मेरा सिलेबस क्या है, और फिर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कब, कैसे और कितना पढ़ना है। स्टडी आपकी कैसे, कब, कैसे और आपको कितना पढ़ना है, ये केवल और केवल आप ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या दूसरी चीजें हैं, तो इसका दोष दूसरों को ना दें, खुद के प्रति खुद की जिम्मेदारी भी लें और ईमानदार भी रहें। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, जब भी हम नाकाम होते हैं तो हम अपनी नाकामी का या अपनी असफलताओं का दोष किसको दे देते हैं? दूसरे लोगों को दे देते हैं। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अगर किसी दिन आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो रिग्रेट करिए कि ये क्या
केवल और केवल इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, क्योंकि किसी दूसरे की वजह से आपका एक डेढ़ घंटे का टाइम तो खराब हो सकता है, लेकिन सारा टाइम खराब हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी योर सेल्फ। जब आप अपनी पढ़ाई खुद करेंगे, आपको कैसे करना है, कब करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, तब आपके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? आत्मनिर्भरता का। ठीक है, यानी कि अब आप आत्मनिर्भर हैं, आपने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया है कि कोई और जिम्मेदार नहीं है मेरे लिए, मैं खुद हूँ। इसके बाद आपकी पुस्तकें, आपके शिक्षक और आपके माता पिता, ये आपके सहायक होंगे इस पूरी जर्नी में। तो सहायक से हम क्या उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा भी सहारा मिल रहा है तो वो बहुत है ना भाई। आप ये काम, बहुत मुश्किल काम खुद कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया तो क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है। सपोज दैट आपको एक वजन से भरा हुआ पूरी एक डलिया, जैसे एक मजदूर एक डलिया उठाता है जिसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है या कोई भी ऐसी चीजें वजन है, तो दूसरा आदमी अगर उसको थोड़ा सा हाथ लगा देता है जबकि वो वजन उसे खुद लेके चलना है, तो उसको उठाने में उसको क्या मिल जाती है? मदद मिल जाती है। आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स और आपकी पुस्तकें यही रोल प्ले करेंगे। मेरी बात आ गई ना समझ में? सहायक। दूसरा पॉइंट होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपके अंदर कहाँ से आता है? मैं मानती हूँ कि जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं आएगा। किसी भी मुद्दे पे आपसे कहा जाए कि बोलिए, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप चुप रहेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा और ये आंखों से दिख जाएगा, चेहरे से दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है? दूसरा पॉइंट ये, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपने सिलेबस से रिलेटेड, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं इकट्ठी कीजिए। क्या करना है आपको? अधिक से अधिक सूचनाओं को एकत्र करना है। तो दूसरा पॉइंट ये होगा आपका, अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्र करना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं एकत्र करने से क्या होगा? आपको कोई मुद्दा है, सपोज दैट अभी जैसे कि क्या होता है कि आप अपने सिलेबस में ही पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन, है ना। तो अब आपने देखा कि आपदा प्रबंधन क्या है भाई? आपदा जब आती है तो हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होना है। अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कहीं बहुत तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, तो आपने देखा कि कहीं पर बाढ़ आई है तो आपने उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली। ठीक है कि भैया यहाँ पर ये बाढ़ आई है या भूकंप आ रहे हैं, तो जो भी घटनाएं हैं, आप चाहे तो वो करंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपने थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक है उसके बारे में जितनी मैक्सिमम सूचनाएं हो सकती हैं आपने सारी इकट्ठी कर ली। जब आपके पास किसी टॉपिक पर अधिक से अधिक सूचनाएं होंगी तो आपके अंदर क्या बढ़ जाएगा? ऑटोमेटिकली आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हम अपने बौद्धिक विकास हम अपना कैसे करें, किस तरीके से जो है हम अपने बौद्धिक विकास को ऊपर लेकर आए। अब हमें क्या करना होगा? एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण, एकत्रित सूचनाओं का क्या करना है? विश्लेषण करना है। अब ये विश्लेषण कैसे होगा? पहले आपने क्या किया कि बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया। सपोज दैट आपने किस पर इकट्ठा कर लिया? आपने इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए कि बाढ़ पर आपने इकट्ठा कर लिया, फ्लड पर, है ना, कि यहाँ पर ये बाढ़ आई हुई है, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ है और इससे इतने एरिए प्रभावित हुए हैं, इतने लोग प्रभावित हुए हैं, इतने जानमाल की हानि हुई है, आपने सब कुछ पढ़ डाला। ठीक, अब आपने क्या किया? अब आपको अपना बौद्धिक विकास कैसे डेवलप होगा? अब आप एकत्रित सूचनाएं जो आपने की हैं उनका क्या करेंगे? विश्लेषण। अब विश्लेषण में क्या आ जाएगा? अब आप उसकी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट, सपोज दैट अगर आप बाढ़ की बात करो, मैं एग्जांपल के साथ बता रही हूँ आपको, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये क्या है। आप जो बहुत सारी सूचनाएं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं, है ना, बीबीसी न्यूज़ खूब देखिए, वहाँ पर आपको बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। तो बाढ़, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि ये है क्या, क्या है और क्यों क्यों आती है। ठीक है, बाढ़ पहली बात है क्या, दूसरा पॉइंट क्यों आती है, तीसरा पॉइंट इसके परिणाम क्या होंगे। जाहिर सी बात है कि परिणाम क्या है इसके, खतरनाक है। तो परिणाम आप इसके सारे लिख देंगे। अब परिणाम में भी ये देखेंगे
कि दो पक्ष अगर परिणाम के होते हैं हमेशा एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक इसमें थोड़ा कम दिखेगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट पर नहीं, अब आतंकवाद है तो उसका तो कोई सकारात्मक परिणाम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप इन दोनों को पढ़ेंगे उसके बाद आप देखेंगे समाधान। यानी कि अब आपका मेन चीज क्या आ गया, समाधान पर आप आ रहे हैं कि इसका समाधान यानी कि बाढ़ को किस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, अब समाधान पर जब आप आएंगे तब यहां पर आप दो लेवल पर काम करेंगे। आप यहां पर देखेंगे व्यक्तिगत स्तर और दूसरा देखेंगे आप प्रशासनिक स्तर। ठीक है, एक व्यक्तिगत, जब आपने बाढ़ को इतना पढ़ा, जब आप ये मुद्दे आप बाढ़ के बारे में जानना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। अब आप सबसे पहले तो फ्लड की परिभाषा लिखेंगे कि बाढ़ है क्या, तो चाहे आप गूगल सर्च करेंगे अब आप सही तरीके से काम करने लगे अपने आप में। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, क्यों आती है, फिर आप किस पर गए, इसके परिणाम क्या होते हैं। अब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और कहीं बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है किसी भी हिस्से में, तो जब आप एडिटोरियल खोलेंगे तो वहां पर आपको इन मुद्दों से रिलेटेड कॉलम दिखाई देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि कोई बताता होगा आपको कि प्रशासनिक प्रयास क्या होना चाहिए, कुछ लोग बताते होंगे कि व्यक्तिगत लेवल पर भी क्या प्रयास किए जाना चाहिए। ये सब करने से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपने बाढ़ पर जो कुछ पढ़ा है वो आपकी जो स्टडी है वो क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई। क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई। जो जहां आपका मन नहीं लगता आप भूल जाते हैं, आपने तुरंत पढ़ा और आप भूल गए। तो मैं बिगनर्स को ये चीज बता रही हूँ, ये किसी एक मुद्दे पर लागू नहीं होगा, ये हर मुद्दे पर लागू होगा। अगर आप हिस्ट्री का भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लो 1857 का हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्रोह पढ़ रहे हैं, रिवोल्ट पढ़ रहे हैं, या उसको हम कुछ भी अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो 1857 का अगर हम विद्रोह पढ़ रहे हैं उसे भी आप इतने ही कॉलम में डिवाइड करेंगे और फिर आपके पढ़ने का एकदम से नजरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एकदम। आप एक साधारण स्टूडेंट से एक यूपीएससी एस्पिरेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये क्या करेगा आपका बौद्धिक विकास। अब जब आपने इस पर इतनी तरीके से सोच लिया तो आपका दिमाग चलेगा कुछ नए तरीके खोजने की ओर भी, और वो क्या होगा आपका एक इनोवेटिव आइडियाज। कौन से आइडिया होंगे, इनोवेटिव नवाचारी जो आइडिया होते हैं हमेशा नए विचार लोगों से ही आते हैं। और अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट कुछ अपने नए सुझाव भी दे दे, है ना, जो रिलेवेंट हो, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज आपके पास क्या चीज है, समाधान है। चलिए, अब बौद्धिक विकास हमारे पास आ गया। अब हमें, अब हर बच्चा कहता है कि मैम हमने चलो अपनी जिम्मेदारी भी ले ली है, हम खूब पढ़ भी रहे हैं, सूचनाओं को एकत्र भी कर रहे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक आंसर राइटिंग हम कैसे करें, है ना, वैज्ञानिक उत्तर लेखन कैसे करें। तो कभी भी आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लिखना शुरू करेंगे नहीं कर पाएंगे। कभी भी आप कोई भी, देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, डायरेक्ट कोई भी अगर आप किसी भी कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तब भी आप नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक उत्तर लेखन क्या है, इसके लिए अब आपने जो विश्लेषित, जितनी भी ये जो विश्लेषित किया है जितने भी पॉइंट्स को, ठीक है, तो अब इन मुद्दों पर क्या करेंगे, विश्लेषित मुद्दों पर छोटे छोटे निबंध लिखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे निबंध लिखेंगे, है ना, मेरी बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि अब आपके पास सूचनाएं भी भरपूर है और आपके पास एक बौद्धिक लेवल भी आ चुका है। बौद्धिक लेवल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आ जाता है, क्योंकि जब आप इस वाले प्रोसेस को एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण लगातार करना शुरू करेंगे। अब कई बार बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं विश्लेषण करूं कैसे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप लगातार इसको करेंगे तो आपके अंदर एक एनालिसिस की जो पावर है वो आ जाएगी। ठीक है, और जब ये एनालिसिस की पावर आपके अंदर आ गई तब आप क्या कर रहे हैं, आप बाढ़ से रिलेटेड छोटे छोटे निबंध लिखना शुरू कर दिए। आपने कैसे निबंध लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, बाढ़ एक आपदा प्रबंधन, ठीक है, बाढ़ भारत और बाढ़, अमेरिका और बाढ़,
समझ रहे हैं ना, अलग अलग देशों से, क्योंकि अब आपने कंपेरेटिव स्टडी करना भी शुरू कर दिया। तो जब आप वैज्ञानिक उत्तर लेखन की तरफ जाते हैं तब आपका क्या होना शुरू हो जाता है, वैज्ञानिक उत्तर लेखन में आप एक कंपेरेटिव स्टडी को और जो आपकी विश्लेषित नॉलेज है उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, संबद्ध करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद बताओ मुझे, जब आप इतनी तरीके से सारी चीज़ों को लिखेंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नॉलेज के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, यानी ज्ञान के साथ आपकी क्या बन जाएगी, ज्ञान के साथ संबद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान के साथ क्या हो जाएंगे, आप संबद्ध हो जाएंगे। अब आप ज्ञान से कनेक्ट हो गए, इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव परिणाम आएगा वो क्या होगा कि अब आपने जो भी मुद्दे को पढ़ा है उसे आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपकी लाइफ में आपके दिमाग में पूरी तरीके से उतर गया और आपके साथ में ये ज्ञान जुड़ गया। अब कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपको बात करना है तो आपके पास पूरा मैटर है, विश्लेषण है। अच्छा, उसने ये कहा, ये कहा, ये एक बहुत बड़े पत्रकार, इन्होंने ये कहा है। अच्छा, इस समय इस पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, या फ्लड के मामले में आ रहा है भाई, उससे रिलेटेड जो बड़ी हस्तियाँ वो क्या कह रही हैं, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहे हैं, तो आपकी विश्लेषण क्षमता लगातार बढ़ती चली जाएगी और फिर आप दूसरों के कथन को भी आराम से समझ जाएंगे कि जो बोला जा रहा है वो इस मामले में कहाँ तक सही है। तो अब आप, आपके अंदर क्या आ गया, यहाँ पर प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एनालिसिस करना आ गया आपको, और जब प्रॉब्लम एनालिसिस अच्छा हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, और बेहतर डिसीजन मेकर ही क्या होते हैं, बेहतर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और ये सब काम करने के साथ अब आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, अनुशासन। ठीक है, और अनुशासन किससे आता है आपके अंदर, ठीक है, अनुशासन किससे आएगा, अनुशासन आता है आपके अंदर निरंतरता से। कभी कोई कह दे ये कहना बहुत आसान था, ये पांचों पॉइंट बताना बहुत आसान है, लेकिन इनको हमें लाना कैसे है अपने अंदर, आज मैंने आपको ये बताया। अब यही सारे काम आप डेली बेसिस पे करेंगे कि आपको अपना काम इसी तरीके से और डेली करना है, जैसे ही निरंतरता आई तो आप हैबिचुअल होने लगेंगे, और हैबिट्स आपको किस ओर ले जाती है, अनुशासन की ओर। एक दिन में कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि पढ़ो सुबह से, 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करिए आप, लेकिन अगर आपके पास पढ़ने का एक तरीका ही नहीं है तो वो 3 घंटे की पढ़ाई का कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक तरीका डेवलप कर लिया तो मैं सारे बच्चों को गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ कि आप बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को किसके साथ संबद्ध कर लिया, पढ़ाई के साथ संबद्ध कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए सफलता के ये 5 सूत्र काम में आ गए। ठीक है, अगर जिसको ज़्यादा आलस लग रहा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। ठीक है, आगे फिर अगले किसी दिन करेंगे। चलो अब हम अपनी क्लास पर आ जाते हैं कि प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। ये मैंने जो इतना टाइम दिया है उस पर काम करना है ना सब लोगों को। ठीक है, और इस तरीके से काम करिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और पढ़ाई लगातार